प्रिपरेशन नहीं किया है अभी तक आपने, तो यू कैन फॉलो दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पे मैं टेबल से स्टार्ट करने वाली हूँ प्रिपरेशन. सो या तो आप चाहो तो आप लाइक से सब्सक्राइब करके रख सकते हो सो दैट कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो एंड डे वन से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन. ओके सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू नीड विच यू हैव टू लर्न इन लाइक सिचुएशन टेस्ट प्रिपरेशन. एंड येस गाइज आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट क्लासेज फॉर दोज स्टूडेंट हु आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर सिचुएशन टेस्ट. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन इनरोल द कोर्स, द फी इज वेरी लेस और यू कैन इजिली अफोर्ड दैट. सो या लेट्स डू और लेट्स स्टार्ट आर सिचुएशन टेस्ट प्रिपरेशन. क्योंकि जो भी आपने गैट में किया, गैट का आई नो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे गैट का बहुत अच्छा नहीं गया एग्जाम. सो डोंट वरी, उस गैट के जो अच्छा नहीं गया एग्जाम उसको कवर करने के लिए आप सिचुएशन टेस्ट को अपना बेस्ट प्रिपरेशन दे सकते हो और सिचुएशन टेस्ट में फुल मार्क्स ले सकते हो. ओके तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और मेरे साथ मिलकर प्रिपरेशन कर सकते हो. आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी थिंग. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम माई टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, सिचुएशन टेस्ट के प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये मैट जो A3 साइज़ का है. A3 लेने से सही होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप फ्रीली और स्पेस आपके पास बहुत होगा तो आप इजीली काम कर पाओगे. देन यू नीड अ कटर, कोई भी ब्रांड का ले सकते हो. एंड शीट, मेक श्योर कि जो शीट्स हो वो थोड़ी सी थिक हो क्योंकि जब हम कट करते हैं तो वो अलग डायरेक्शन में कट ना हो और जब थिक होता है तो कटिंग करना इजी हो जाता है. ठीक है, तो जैसे हमने कैट में किया था आपको याद होगा कि हमने लाइन की प्रैक्टिस किया था, zigzag, horizontal, vertical और diagonal, एनी काइंड ऑफ लाइन. तो सेम वे में हम कटर से भी प्रैक्टिस करेंगे वो सारी लाइनों की. तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही शेप आपको कट करते हुए दिखाया, बट आप अलग अलग शेप भी ट्राई कर सकते हो, जैसे zigzag, curvy. सो गाइज, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या अभी से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है सिचुएशन टेस्ट का, तो क्यों नहीं, आप अभी से क्यों नहीं कर सकते. ये सब ऐसे काम है ना गाइज, जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तब भी आपको काम आएगा ये, है ना. तो अभी से स्टार्ट कर दो, रिज़ल्ट का वेट मत करो क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपको इतना टाइम नहीं देते हैं वो लोग सिचुएशन टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए. तो अभी से काम करोगे, कटर पे थोड़ा ग्रिप अच्छा रहेगा आपका तो आप मॉडल्स बना पाओगे. ये सब बेसिक है, जब तक बेसिक नहीं आएगा आपको आप मॉडल्स नहीं बना पाओगे. ओके, तो कटर पे काम करना पहले सीखना पड़ेगा. तो कुछ दिन प्रैक्टिस करो ये बेसिक शेप्स की, उसके बाद आप इजीली अच्छे अच्छे मॉडल्स बना पाओगे. ओके, एंड सिचुएशन टेस्ट आते आते हैं तो आप प्रो हो जाओगे मॉडल्स बनाने में. एंड येस, वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग क्लासेस गाइज, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन जॉइन मी, जहाँ पे हम डेली के बेसिस पे क्लासेस करेंगे. एंड या यू कैन जस्ट व्हाट्सएप योर नेम, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स. ओके, सो ये कटर पे काम करना इजी तब होगा जब आपको कटर को पकड़ना और कटर में से जितना ब्लेड बाहर है, थोड़ा सा ही ब्लेड बाहर होना चाहिए, बिल्कुल एक ब्लेड. आप बहुत सा ज़्यादा बाहर निकाल के काम नहीं कर पाओगे और थोड़ा सेफली काम करना क्योंकि स्टार्टिंग होता है ना, जब आप अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करें सिचुएशन टेस्ट के लिए तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हैंड कट हो जाता है बहुत बार. तो थोड़ा सेफली काम करना पड़ेगा, बट या थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तब ये सब कर पाओगे. तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना. एंड वन मोर थिंग, कटर पे काम करना थोड़ा पेशेंस का काम है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में काम करते हो या बहुत ही हाइपर होके, तो वो अवॉइड करो, थोड़ा पेशेंस लाओ खुद के अंदर. ओके, एंड देन काम करो कटर पे. ओके, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है. सो वहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया, उसके बाद हम कुछ पैटर्न बनाएंगे. ओके, ड्रॉ करेंगे, देन उसको कट करने की प्रैक्टिस करेंगे. ये सब बेसिक चीज़ों में ही काउंट होगा. तो आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हो, यहाँ पे मैं बहुत बेसिक बना रही हूँ, बट आप थोड़ा और भी एक्सप्लोर कर सकते हो. जैसे कि हम मंडीला आर्ट बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके से भी पैटर्न में आप बना सकते हो और कटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड यस, अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है, तो यही होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट का, इससे ज़्यादा बेसिक और कुछ नहीं है. बाकी बात है मॉडल्स बनाने की और मटेरियल्स एक्सप्लोर करने की, तो वो सब कुछ होगा डे बाय डे. ओके, तो जब स्टार्टिंग में आप स्कूल जाते हो तो ABCD सीखते हो ना,
तो जब स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहे हो आप, हो सकता है किसी का फर्स्ट टाइम हो सिचुएशन टेस्ट की प्रिपरेशन, या किसी का सेकेंड और थर्ड टाइम है ना, तो जो प्रो है वो स्किप कर सकते हैं, बट जो बेसिक से सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं. ओके, बाकी चीज़ें भी हम एक्सप्लोर करेंगे इसी चैनल पे. सो या आप लाइक सब्सक्राइब करके रखना सो दैट आप मिस ना करो कोई भी नोटिफिकेशन. जब भी अपलोड होगा वीडियो यू कैन वॉच, अगर आपके काम का है तो आप उसे देख सकते हो. एंड इसको बनाते समय एक बात का ध्यान रखना कि आप जिस साइड कट कर रहे हो उसके अपोजिट साइड आप बिल्कुल हैंड रखो, शीट को ग्रैब करके रखो, क्योंकि कटिंग करते समय शीट मूव कर जाता है तो कटिंग गलत हो सकता है. ओके, तो ग्रैब करके रखना है एंड शीट को कभी मत कोई और डायरेक्शन में मोड़ना, अलग अलग डायरेक्शन शीट का चेंज मत करना, अपने हैंड के मूवमेंट को चेंज करना. ओके, जिस तरफ की भी कटिंग हो आपका हैंड उस तरह मूव करेगा खुद ही, बट आप शीट को बार बार उल्टा सीधा या फिर फ्रंट से और साइड से कहीं से भी उठा के मत रखना. ओके, जैसे इसमें देख रहे हो वो एक जगह स्टेबल है एंड मेरे हैंड मूव कर रहा है हर जगह. ओके, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है कटर पे काम करने का. वन मोर थिंग, कटिंग मैट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास टेबल है वुडन और मैं उस पर काम कर लूँगी या कर लूँगा, तो ऐसा मत करना कभी भी, वो कट हो सकता है. ओके, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये सब मत करना. एक कटिंग मैट ले लो, बहुत ज़रूरी है. ओके, ये कोई वेस्ट नहीं होगा, आप अगर कॉलेज जाओगे वहाँ पर भी आप इसे लेके जा सकते हो और ये आपको काम आ जाएगा. ओके, तो ये कोई वेस्ट नहीं होगा, तो आप ले लेना प्रिपरेशन करने के लिए एक कटिंग मैट. सो मैंने इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाया है जिसको मैं कट कर रही हूँ. आप बहुत अच्छा बना सकते हो एंड डिटेल भी बना सकते हो आप. ओके, बट जिनको बिल्कुल नहीं पता, जो बहुत ही नए हैं, जिन्होंने कभी कटर भी नहीं यूज़ किया, तो वो मेरे साथ ये वाला शेप बना सकते हैं या ये वाला पैटर्न. ओके, अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में तो आप डिफरेंट शेप बनाना एंड टैग करना मुझे और मुझे सेंड करना कहीं पर भी, तो आई विल बी हैप्पी टू सी दैट. गाइस, सिचुएशन टेस्ट का वेटेज 20% है, बट ये 20% आपने जो 80% काम किया है उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है. अगर कहीं पे भी आपका कुछ लैग हुआ है या फिर सही से कोई एग्ज़ाम नहीं गया है लाइक कैट एंड गैट, तो ये आपके उसको फुलफिल कर सकता है. अगर 30% का कैट था आपका गैट, तो उसको फुलफिल कर सकता है ये 20%. अगर इसमें आपको फुल मार्क्स आ जाएगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा. ओके, तो इस पर फोकस करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है. सो गाइज, आई थिंक आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा एंड आपको अभी से क्यों प्रिपरेशन करना चाहिए ये भी समझ में आ गया होगा. ओके, सो या ये फर्स्ट पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ से देख रहे हो ना आप, कुछ कुछ पार्ट कट हो गया है, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ओके, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कामली और बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है. ओके, कटर पे काम करना इज़ नॉट ईजी, बट प्रैक्टिस से सब पॉसिबल है. ओके, सेकेंड वाले में हमने कुछ ऐसे ही एक मैट वाला पैटर्न बनाया जो बहुत ईजी था, इवन उससे ईजी था जो हमने फर्स्टली बनाया था. तो इसको भी चाहो तो आप एज इट इज़ बना सकते हो या इसमें और बॉक्सेस बना सकते हो, इसको थोड़ा और डीप बना सकते हो एंड देन कटिंग कर सकते हो. गाइस, दिस इज़ अ डे वन, इसलिए ये आपको बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट डे टू, डे थ्री और भी बहुत सारे डेज अपलोड होंगे. ओके, और लेवल भी थोड़ा टफ होता जाएगा सिचुएशन टेस्ट प्रिपरेशन का, और हम बहुत सारे मॉडल बनाएंगे इसी चैनल पे. ओके, एंड एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं आपको कि आप चाहो तो आप खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइक मैं तो वीडियो पोस्ट करूँगी ही, बट एक चीज़ होता है गाइस कि अगर आपने कोई मॉडल बनाया लाइक कैट वाले में आपने कोई ड्राइंग बनाया, तो अगर कोई उसे चेक नहीं कर रहा आपकी ड्राइंग को या कोई बता नहीं रहा कि ये कैसे बनेगा, तब तक वो प्रिपरेशन अधूरी है ना. तो मैं सबको बता सकती हूँ अगर आप सेंड करो मुझे, बट बहुत सारे स्टूडेंट सेंड ही नहीं करते, इसलिए क्लासेस ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैं तो स्पेशली एक एक स्टूडेंट पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
बेस्ट स्टूडेंट तो बेस्ट होते ही हैं, बट हमें उन स्टूडेंट पे काम करना है या उन स्टूडेंट को आगे लाना है जो डरते बहुत है, जो क्वेश्चन पूछ नहीं पाते या जो कभी कैमरा भी ऑन नहीं करते क्लास में। तो अगर कोई उस स्टूडेंट पे ध्यान देता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको ऐसे ही कोचिंग में जाना चाहिए जहाँ पे आप पे ध्यान दिया जा रहा है, ओके, जहाँ पे आपके काम को ना रिव्यू मिले ना आपका काम टाइम से चेक हो, तो आप वहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हो, है ना। आपका मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सही जगह पे उसको इन्वेस्ट करना और कुछ ऐसा सीखना जो आपको लॉन्ग टाइम में भी काम आएगा और या आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हो तो एक चीज़ ज़रूर देखना कि आप पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है या आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो ऐसे क्लासेस में जहाँ बस चार पांच बच्चों पे ही ध्यान दिया जाता है, तो वो क्लासेस बेस्ट कैसे हो सकता है ना आपके लिए। तो वो बेस्ट सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, बाकी जो स्टूडेंट बैक में हैं उनके लिए वो बेस्ट नहीं है, ओके। तो अगर आप फ्रीली, और बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, बट टीचर्स को होना चाहिए कि वो स्पेशली पूछे उनसे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। तो ऐसा कोई कोचिंग हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो आपके बजट का हो और वो लॉन्ग टाइम में भी आपको हेल्प करे, ओके। सो ये तो कंप्लीट हो गया, ओके, और ज्ञान भी ज़्यादा हो गया, तो सो सॉरी अगर कोई बोर हो गया तो, बट या दिस इज़ अ फैक्ट जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके के पैटर्न्स आप बना सकते हो गाइस, और बहुत डीपली भी बना सकते हो। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक क्लास, तो मैंने बेसिक चीज़ें ही बताया है, बट हम नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ओके। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप है ना कुछ भी फेंका मत करो, जैसे कि ये सब भी रखा करो, काम आता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर सिचुएशन टेस्ट प्रिपरेशन, एंड डू फॉलो फॉर मोर अपडेट, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट डे वन से अपलोड होगा वीडियो तो आप कुछ भी मिस ना करो, आप सब कुछ देख सको एक साथ, और शेयर भी करना ताकि और लोगों को भी हेल्प हो, क्योंकि सब अभी पैनिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके पैनिक को आप एक ही चीज़ से कम कर सकते हो, उनकी थोड़ी सी हेल्प करके। हेल्प तो आप पेपर में जाके उनका पेपर ठीक नहीं कर सकते या उनको एग्ज़ाम नहीं दिलवा सकते, बट या आप उनको नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ओके। सो डू लाइक सब्सक्राइब, डू शेयर गाइस, या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ हैप्पी प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट।